राजपाट टीवी और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। दो बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर की खबर सामने है, जहाँ टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वही दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहाँ स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना पहुंचाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक का शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वही घायलों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जामो कोतवाली क्षेत्र के बरेहटी गांव के पास का ये पूरा मामला है। वही अगली खबर जनपद चंदौली से है, जहां मुख्यालय स्थित एक निजी लॉन में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि धान की खरीदारी में अधिकारी घपलाबाजी करते हैं। बताया कि देश में तानाशाहों का जन्म हो चुका है, इनकी तानाशाही को लेकर जनता सड़क पर आ चुकी है। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि ये लोग बेईमानी से हमेशा जीतेंगे। कहा कि किसानों के विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन के लिए हमारी ट्रैक्टर तैयार है। तो वहीं कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। बताया कि इनका धान कहाँ बिकता है वो बता, चोर को पकड़ लो, हमने चोर बता दिया और इनके साथ जाकर पकड़वाऊंगे। चंदौली और इस क्षेत्र का पूरा धान रामपुर जिले में बिकता है, करीब 200 से ज्यादा करोड़ रुपए का एक सीजन का घपला है, इनको पकड़ना चाहिए। 11,000 फर्जी किसानों के नाम से वहाँ पे कई साल से वो धान तुल रहा और यहाँ का धान सस्ते में खरीदता है। जो भी यहाँ से मोटा धान खरीद के जाता है वो ज्यादातर रामपुर में इन जिलों में जाकर बेचते हैं किसान के नाम। आप मंच से रोहनिया के जगतपुर इलाके में मंगलवार को बदमाशों ने एक दरोगा को गोली मारकर उनकी पिस्तौल लूट ली। दरोगा को गोली मारकर पिस्तौल लूटे जाने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर वारदात की जांच कर रही है। तो वहीं गोली लगने से घायल दरोगा को रोहनिया क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के लक्सा थाने में दरोगा अजय यादव तैनात है। बताया जाता है कि वो किसी काम से रोहनिया थाने के जगतपुर क्षेत्र में गए हुए थे, उसी दौरान तीन बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार होकर बदमाश असलाह लहराते हुए फरार हो गए। असलाह से निकली गोली दरोगा के सीने में लग गई। सूचना पाकर रोहनिया थाने की पुलिस ने उन्हें क्षेत्र में ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई है। आज शाम को थाना रोहनिया के जगतपुर क्षेत्र में लक्सा थाने पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर अजय यादव अपने प्लॉट पर, जहां पे वो मकान का निर्माण करा रहे हैं, वहां पहुंचे थे। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन अज्ञात युवकों के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उनके इलाज के लिए अभी वरिष्ठ अधिकारी उनको रश किए हैं हॉस्पिटल के लिए, जहां पे उनकी कंडीशन क्रिटिकल बट स्टेबल बताई गई है। इस घटना को गंभीरता से कमिश्नरेट पुलिस ने लिया है। सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं। हमारा प्रयास होगा कि इस घटना में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी शिनाख्त जल्दी से जल्दी करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जाएगी। वही पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह निजी कार्यक्रम में पहुंचे। काफिले में शामिल रहे बीजेपी के झंडा लगे वाहन, जदयू और बीजेपी के सवाल पर खुलकर पक्ष रखा और बोले, हम जदयू के महासचिव हैं और पार्टी को यूपी मजबूत कर रहे हैं। वही परिवहन मंत्री के साथ फोटो पर कहा, राजनीति है, फोटो पर कयास लगाना उचित नहीं है। चंदौली हम लोगों के छात्र जीवन से यहाँ स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी प्रमुख रहे यहाँ से, और बड़ा पुराना रिश्ता था हम लोगों से, 30 वर्षों से अधिक का पुराना रिश्ता था। तो उन्हीं आए थे आज द्वार करने के लिए, आए थे परिवारजनों से मिला मैंने। अगर कुछ राजनीतिक बातों की बात करें तो अभी आपके काफिले में बीजेपी की भी गाड़ियाँ चल रही हैं, आप जदयू में क्या कुछ कहेंगे, जदयू में कि बीजेपी में? जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और जेडीयू में। अगली खबर चंदौली से है, जहां पश्चिम बिहारी बलुआ गंगा घाट पर देव दीपावली के अवसर पर जनपद के निवासी और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने गंगा में दीपदान कर भव्य गंगा आरती का भी आनंद लिया। इस दौरान चंदौली के पश्चिम में वाहिनी बलुआ घाट के देव दीपावली के भव्य आरती को काशी के तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए 1 किलोमीटर लंबे गंगा घाट के निर्माण के साथ देश विदेश के सैलानियों को भी आमंत्रित करने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री ने थूक कर चाटने का स्पेशलिस्ट बताया और बेशर्म बयानवीर की भी संज्ञा दी। अनिल राजभर ने कहा कि जिन लोगों के साथ गाड़ियों में घूमकर विधानसभा चुनाव में 2 सीट से अधिक भाजपा के आने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, ऐसे नेताओं को भाजपा नहीं पसंद करती है। देखिए, ये एक धूर्तता से पूर्ण ये बयान है और अगर इसको मूर्खता से भी पूर्ण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सब कहने से पहले जरा भी शर्म अगर होती तो आदमी इस तरह के बयान नहीं दे। कल जिनकी गाड़ियों में बैठकर आप मऊ से लेकर और बांदा चित्रकूट तक की यात्रा करते हो, जिनको अपना समर्थन देते हो, जिनको अपने पार्टी का निशान देकर चुनाव लड़ाते हों, और आज कौन सा डर है? कल तो बहुत बयान वीर बनते थे, कल तो बड़ा बयान देते थे कि हम मुख्तार अंसारी के साथ हैं, हम अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाकर विधायक बना रहे हैं, और आज बयानों से पलट जाना। तो ये जो धूर्तता की राजनीति है, अब इसको उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। एक फ्रस्ट्रेशन है, डर है। मैं तो कहता हूँ कि अगर दामन पर कोई दाग नहीं है तो डर किस बात की? हम लोग तो उनको कहते हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में, समाज को तोड़ने में, समाज को अशांत करने में किसी प्रकार की कहीं किसी की भूमिका रहेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। वही मथुरा में चंद्र ग्रहण के बाद आकाशीय बिजली गिरी। राय के गांव नरव में बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। इसमें एक युवक भी झुलस गया और साथ ही पेड़ पौधे और खेत में रखी करम में आग लग गई। अन्नदाता कृपाल सिंह की रखी करम में आग लग गई है और छोटे मोटे जानवर और एक आदमी भी झुलस गया, जिसको उपचार के लिए भिजवाया गया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।